वो मैं बताऊं? चड्डी वाला वैसा है कि चड्डी 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 एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी डिजाइनदार खुशबूदार इज्जतदार चड्डी, हर कलर हर डिजाइन हर साइज हर फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी हर शेप में, नीली पीली सतरंगी और चितकबरी चड्डी, रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडियम वाली चड्डी, नाड़े वाली बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम और डोरेमोन छाप चड्डी, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फटेगी चड्डी, चड्डी 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 एक से बढ़कर एक चड्डी। खैर गैंग्स के बाद तो खैर मेरा पूरा ही वो हो गया था, चेंज हो गया था काफ़ी चीज़ें, और मेरी ख्वाहिश यही रही कि वही हर तरह के जॉनर की फिल्में करूं, हर तरह के अपने आप को अनकम्फर्ट जोन में पहले डालूं मैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ही कम्फर्टेबली मैं कैरेक्टर करता चला जाऊं, ईजी कैरेक्टर कर ईजी दिखे वो, बट लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क होना चाहिए और जिसको करके लगे कि हाँ कोई कैरेक्टर किया है। तो थैंक गॉड गैंग्स के बाद मुझे इस तरह के हर तरह के कैरेक्टर मिलने लगे और विच इज़ गुड फॉर मी एज एन एक्टर। तो जर्नी तो बहुत ही अच्छी है अब तक, तो बहुत अच्छी है। खैर अभी तो मैं खुद कुछ कहने के लायक, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम है, 2012 से ऑलमोस्ट मेरा काम शुरू हुआ और अभी 4-5 साल हुए, तो जब बहुत साल हो जाएंगे तब मैं कुछ कहने के लायक रहूँगा। बट हाँ जो मेरा एक्सपीरियंस वो यही है कि जितना भी आपके हाथ में 2-3 चीज़ें होती हैं, ऑनेस्टी होती है, हार्ड वर्क होता है, वो आपके हाथ में, वो जितना कर सकते हैं आप वो करना चाहिए, एक शिद्दत होनी चाहिए, बाकी तो यही 2-3 चीज़ें आपके हाथ में, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। मेहनत आपके हाथ में, चाहे वो 18 घंटे 20 घंटे करें, किसी भी कैरेक्टर पर आपको काम करना है, जो मैंने किया, और मैं यही बता सकता हूँ बस अपने एक्सपीरियंस से। फ्रीकी मैंने तो यही डिसीजन जो लिया था एक्टर बनने का, जब मुझे सब मना कर रहे थे कि कहाँ क्यों जा रहा है बम्बई में, क्या शक्ल सूरत देख ले अपनी, हाइट वाइट देख ले, तो और लेकिन उसके बावजूद भी ये डिसीजन लेना कि भाई मैं तो यही करूँगा, इसके अलावा मुझसे कुछ होगा ही नहीं, तो यही अपने आप में एक फ्रीकी डिसीजन था मेरा। एक्चुअली मैं बहुत ही स्पोर्ट्स मेरा ज़्यादा मतलब वो नहीं रहा, स्पोर्ट्स में मेरा ज़्यादा वो नहीं था, हाँ कभी टाइम मिल गया तो खेल लिए, क्रिकेट भी खेला मैंने, फुटबॉल, और एट द सेम टाइम लाइक जो अपने गांव में जब बचपन में हम लोग खेलते थे, गिल्ली डंडा हो गया, कंचे, पतंग उड़ाना मेरा आई थिंक सबसे बचपन में सबसे ज़्यादा पैशन था। उसकी अच्छी बात ये होती है कि पतंग उड़ाते वक्त जब मैं बचपन में था तो हमारा जो गाँव था वो छत पर चढ़ के जो है जिस लड़की को आप चाहते थे उसके घर पे पतंग डाल देते थे, चिट्ठी चिपका के उसमें, तो चिट्ठी पढ़ती थी वो, फिर लिख के जवाब देती थी, तब तक हवा दूसरी साइड की हो जाती थी, अब बैठे रहो 3-3 4-4 दिन, जब हवा उस तरफ की होगी फिर से पतंग जाएगी, फिर वो चिपकाएगी, फिर हम पढ़ेंगे, तो 2-2 साल हो जाते थे 5-6 चिट्ठियों को। मुझे 2-3 बार सलमान भाई ले गए थे, हम लोग जब बजरंगी का शूट कर रहे थे तो 2-3 बार गया मैं, फिर मैंने उनको बताया कि हाँ, उन्होंने बोला अब जाओगे ना जिम में, तो मैंने हाँ ज़रूर जाऊँगा, उसके बाद कभी नहीं गया मैं जिम में। अरबाज भाई जो है वो ज़्यादा फिटनेस फ्रीक नहीं है, मतलब वो चाहते हैं कि भाई अभी शुरू किया है, देखो 4-5 साल में रिजल्ट आएगा उनका। सोहेल भाई हैं, लेकिन वो भी मूडी हैं काफ़ी, जब उनकी बॉडी अलाउड करती है या जब उनको लगता है कि अभी थोड़ा सा जाना चाहिए तो चले जाते हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैंने 2 काम किए उनके साथ, बजरंगी भाईजान और किक, और दोनों काम करते वक्त बहुत मज़ा आया। बजरंगी में तो मतलब बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी, हम लोग काफ़ी बैठ के बातें भी करते थे, और अब मैं फिल्म कर रहा हूँ, मतलब पूरी फैमिली के साथ बहुत अच्छे, और स्पेशली जो अलवीरा अर्पिता हैं उनके साथ तो बहुत ही अच्छा रेपो है। तो मैं फॉर्चुनेट हूँ मतलब कि इतनी बड़ी फैमिली, इतनी आवभगत करने वाली फैमिली के साथ मेरा बहुत अच्छा रेपो है। मैं इस फिल्म के बाद कर रहा हूँ, साबिर की फिल्म है जिसमें टाइगर श्रॉफ और मैं हम दोनों हैं। उसके बाद मैं नंदिता दास की फिल्म कर रहा हूँ, मंटो, साद अतसन मंटो के ऊपर है, बहुत ही बहुत ही एक्साइटेड हूँ दोनों फिल्मों के लिए। और उसके बाद मैं रितेश भट्टराज की फिल्म करूँगा। टैलेंट तो देखो हमारी कंट्री में कोट कोट के भरा हर आदमी, बट वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज़रूरी है। जो प्लेयर्स हैं, जो भी स्पोर्ट्स, जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं, उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ अगर एक ही गेम को अगर आप सब कुछ बना लेंगे तो बाकी जो गेम्स हैं, चूँकि हर आदमी की स्किल अलग अलग होती है और उसको उसकी स्किल के हिसाब से उस स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों की स्किल इसलिए दब जाती है क्योंकि वो दूसरे स्पोर्ट्स को हम सपोर्ट ही नहीं करते। तो मेरा तो खुद का मैं मानता हूँ कि दूसरे स्पोर्ट्स को जो है बहुत सपोर्ट करना ज़रूरी है। फ्रीकी अली क्यों देखें, क्यों नहीं देखें? फ्रीकी अली में वो सारी चीज़ें हैं जो ऑडियंस को पसंद आती है, जो लोगों को पसंद आती हैं। कनेक्टिविटी बहुत है एक आम आदमी के लिए, क्योंकि हर आदमी के सपने होते हैं कुछ अचीव करने के। तो सिंपल सी फिल्म है, बच्चों के लिए भी फिल्म है और एट द सेम टाइम आपको एक गेम से भी वाकफियत हो जाएगी कि गोल्फ कैसे खेला जाता है। हमने उसको बहुत ही ईजी वे में दिखाया है, तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। गोल्फ बहुत सिंपल है, एक गड्ढा होता है, उसमें बॉल डालनी होती है, बस।